मुफ्ती साहब बैठे हुए? जी, मुफ्ती साहब आज मुझे मौका आपकी ढूंढ रहे इतना मुफ्ती प्यार आ साहब रहा भी है, के कुछ। जी, अल्लाह आपको सलामत रखिए मुफ्ती साहब, आज मुझे आप पे इतना प्यार आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, शुक्र जब भी लिबरल के सामने आते हैं, आप समझ आइए कहां पे चैलेंज क्रिएट होता है, चैलेंज ठीक देखिए है। कैसे क्रिएट होता है, किधर डीप लेवल के ऊपर, किस जगह के ऊपर आके मसला आता है। आई मिस यू माय मुफ्ती साहब। बाकी इस तरीके से मैं इंटरप्शन के दौरान ना, एक पाकिस्तानी के अंदर ना ये सख्त खत्म हो गई है कि वो कानों का इस्तेमाल करे। मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं आमिर साहब, आप आर्ग्यूमेंट सुनने के मूड में नहीं है, सो आई एम नॉट गोना कैरी दिस। सवेरा ने बहुत अच्छी कर्टिसी का मुजाहरा किया, एटलीस्ट शी हैड द कर्टिसी टू लिसन, शी डिड नॉट हैव एन आंसर, सो शी डिड नॉट रिबट। यू डोंट इवन हैव एन आंसर, यू कीप ऑन इंटरप्टिंग, आई एम नॉट गोना कैरी अ कॉन्वर्सेशन। मसला पता क्या है, पाकिस्तान की तब तक तस्हील नहीं हो सकती जब पाकिस्तान की माँ बाप अपने बच्चों को कान खोलने की ट्रेनिंग नहीं देती। सो आई एम डन विद दिस सॉर्ट ऑफ साहिल साहब, मुफ्ती कॉन्वर्सेशन। साहब को शामिल कर एक लें जरा आप, जरा मुफ्ती जी, मुफ्ती साहब। नहीं सर, मैं देखिए, मुफ्ती बहस तो साहब, काफ़ी, जितनी मर्ज़ी इसको खींच लेंगे हम, ये मुकम्मल नहीं होने वाली। मेरा यहाँ पे, मेरी राय ये है कि जिस जगह सर वो तक एक हदीस जरा मुफ्ती साहब ज़रूर सुना दें कि जो मुस्लिम मैं उम्मा आप है वो अगर लोगों एक को जिस्म की तरह है, मैं अर्ज करता हूँ, कि अगर देखिए आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में बिल्कुल तकलीफ़ है, ये करीम इसका सल्लल्लाहु मफहूम अलैहि भी ज़रा वसल्लम सुन। का वो फरमान जिसका मफहूम है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म सो नहीं सकता। अब देखें, ये बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ दे बात है कि हमारे मुसलमान भाई, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ कश्मीर से हो, चाहे किसी दौर के अंदर चाहे उनका यमन ताल्लुक़ से बर्मा हो, से चाहे हो, चाहे मिस्र से यमन हो, से चाहे हो, शाम से हो, इंडिया से हो, किसी जगह से भी, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमान है तो वो एक जिस्म की मानिंद है। मेरी अगर हाफिज़ साहब दाढ़ के अंदर दर्द हो ना, तो मैं सारी रात तड़पता रहूंगा, क्यों कि मैं एक जिस्म हूँ। इसी तरह जब हमारे मुसलमान भाई फलस्तीन के अंदर है, उनको तकलीफ़ है, मेरा सवाल ये है वो उन बंदों से जो KFC को इस्तेमाल करने वाले में, कोई भी वो प्रोडक्ट है, मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे का जहाँ तक उसका एक हाथ पड़ता है, जहाँ तक उसकी रसाई है, वहाँ तक वो बाइकॉट कर। देखिए कारोबार एक ऐसी चीज़ है, मैं इसे बिल्कुल ये साहिल साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ इस हवाले से, कि जहाँ तक आज तो कारो तारीखी दिन हो नहीं, गया देखे है तारीखी जी। दिन नहीं, हाफिज साहब बात करनी आज तो चाहिए। अपने कॉल बाद हमें शुक्रिया कहें कि आप हमें शुक्रिया कहेंगे, इतफाक हो रहे हैं यहाँ पे। मेरी अरज सुने, आज तो स्पेशल ट्रांसमिशन हो गई देखे स्पेशल की है। बात नहीं, मैं कल भी अरज किया था, आज भी, इससे पहले भी, कि जी, जहां तक हक की बात होगी मैं हक के साथ खड़ा हूं, चाहे हक साहिल साहब कहें, चाहे वो सवेरा साहिबा कहें, चाहे वो आमिर साहब कहें, चाहे हाफिज साहब कहें, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम भी कहे, जो हक की बात होगी उसके साथ हम हैं। जहां तक किसी बंदे का हाथ पड़ता है, जहां तक उसकी रसाई है, वहां तक बाइकॉट करना उसका ये इस्लामिक अव्वली फरीजा है। उसकी वजह ये हाफिज साहब, जब कारोबार बंद होता है ना, सॉरी आपकी बात काट तो रही हूँ, बड़ों बड़ों यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, एक कॉलर ले लेते हैं, जी जी काफ़ी खाई देर से साहब, इंतज़ार आपको कर रहे लोग हैं। सुनते बहुत हैं, जी जब भी बिल्कुल आप गुफ्तगू जी शुरू जी करते बिल्कुल कॉल आ जी, जाती है। अस्सलाम जी वालेकुम जी जी, वालेकुम सलाम जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी कहिए कासिम। जी मेरा क्वेश्चन है साहिल साहब से, कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये बैंक वाले जो हमारी ज़कात काट लेते हैं, वो जाती कहाँ पे? अगर कुछ तो लोग होते हैं वो खुद नहीं देना चाहते, फिर देना चाहते हैं, खुद देना चाहते हैं, लेकिन बैंक वाले काट लेते हैं, लेकिन वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसी मुस्तहिक लोग जो है उस तक पहुंच चुकी है, और कहाँ जाती है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में। ठीक हो गया, ठीक ठीक है, हो गया, कर थैंक मुफ्ती यू साहब जी, मुकम्मल करें आप प्लीज। प्लीज़। देखिए जहाँ तक मेरा हाथ पड़ता है ना, जहाँ तक मेरी रसाई है, मेरे ऊपर बाइकॉट करना लाजिम है। अगर मैं नहीं करता तो मैं उनके कत्ल के अंदर गूंगे शैतान की तरह शामिल हूँ, मैं उनके कत्ल के अंदर खुश हूँ। कम अज़ कम जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये ईमान की कमज़ोर तरीन अलामत होगी। हाफिज साहब जब कारोबार बंद होता है ना, तो बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। रही बात बेशक ये कि बेशक। किसी ने फ्रेंचाइज खरीदी है, किसी ने जनाब फलां खरीदा है, जब नुकसान होगा तो उसमें हमें कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना बर्दाश्त करना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल ठीक ठीक बात बात है। है। अच्छा सवाल ले लेते हैं साहिल साहिल साहब साहब, से ये जो जी। सवाल आया है कि बैंक ज़कात काट लेते हैं, किसी का भी अकाउंट है और अगर वो खुद देना चाहता है, उसको एक तो ये पता नहीं है कि बैंक ने ज़कात उसकी कहाँ इस्तेमाल की है, और दूसरा अगर वो खुद देना चाहता है तो उससे महरूम हो जाता है। और इसके साथ एक और भी मसला जुड़ा हुआ है कि अगर कोई शख्स हर महीने अदा करता है तो बैंक को किसने ये इजाज़त दी है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके पैसे काट ले ज़कात के, जबकि वो पहले ही अदा कर चुका हो। बैंक
नहीं, वो इजाजतें खुद देता है और लिख के साइन करवाते हैं बैंक वाले। ऐसा नहीं होता कि बैंक बगैर इजाजत से कोई एक रुपया भी काट सके। ये दिस इज इलीगल। अगर वो ऐसा कुछ वाकया हो रहा है ना, प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होता। डिस्क्लेमर उन्होंने पहले एक क्या उसे कहते हैं कंसेंसस लिया होता है तमाम तर कंज्यूमर से। बहरहाल जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जिस तरीके से मामला किया जाता है वो इस सारे के सारे पैसे के साथ क्या करते हैं, तो वो उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसके पुराने पैटर्न हम सबके पास हैं। हमें हमें पता है कि जैसे ही पैसा गवर्नमेंट के पास आता है तो वो वही होता है जो टर्की के पास जब एड गई थी तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन टर्की, जो पाकिस्तान ने भेजी थी विकास, वो हमने उन्हीं की एड उन्हीं को वापस भेज दी थी। तो हम हमें पता होना चाहिए एज एडल्ट मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, एडल्ट पाकिस्तानी जो IQ है वो इतना होना चाहिए कि वी नो कि इनके पैटर्न्स पहले से ही यू नो बहुत डूबियस रहे हैं और लेस देन यू नो परफेक्ट सिस्टम के अंदर डूबियस कैरेक्टर्स एंटर हो जाते हैं तो फिर आपको पता है क्या होता है। सो ये बात कहना ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिकली ट्रू होगा कि सिस्टम को इन पैसों को मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचाया जाता। जब आपको प्रोबेबिलिस्टिकली डायग्राम प्लॉट करने की बेसिक सेंस हो कि यहाँ ज्यादातर चांसेस क्या हैं, तो फिर इस्लाम की शिक आपके ऊपर वहां पर ट्रिगर हो जाती है। जब आपको पता हो नबी साहब ने शक मारा, जो चीज तुम्हें शक में डाले उसको रोक के वो चीज इख्तियार करो तुम्हें शक में ना डाले। यहाँ पे हमें पता है कि हुस्ने जन से काम नहीं चलेगा क्योंकि इस वक्त लोगों की जाने मैटर कर रही है। जहां पे जकात पहुंचनी है लोगों की वहां पे जान जा सकती है, इसलिए तो उनको जकात लगती है। उनके मामला बड़े शदीद हद पे खराब हो सकते हैं इसलिए तो उनको जकात लगती है। तो अगर आप उधर जगह पे कैजुअल हो गए कि यहाँ हुकूमत के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर आपके पैटर्न भी यही बताने चाहिए कि हुकूमत के ऊपर बाकी चीजें भी छोड़ें। फिर नवाज शरीफ के ऊपर कभी क्रिटिसाइज ना करें, जरदारी पे ना करें, आपने हुकूमत में सारा कुछ ही छोड़ दिया। तो और अगर आपको पता है कि नहीं यहाँ पे मसले हैं और मैंने हुकूमत पे नहीं कुछ छोड़ना, बाकी की चीजों पे अपनी मर्जी की चीजों पे मैं हुकूमत के ऊपर बहुत टाइट चेक रखता हूँ, तो उन लोगों के ऊपर भी टाइट चेक, उस बात पे भी टाइट चेक रखें कि जिन लोगों को वाकई पैसों की जरूरत थी। एंड आई एम टेलिंग यू दिस एज अ पाकिस्तानी, दिस गवर्नमेंट थ्रू दीज पैटर्न्स ऑफ जरदारी एंड नवाज शरीफ दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आई एम सॉरी, इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए, स्पेशली इन दोनों को। अगर अस्पताल में नहीं डालना था तो जेल में तो डालते, इनको तो हमने खुला छोड़ा हुआ है। तो जब हम इनको खुला छोड़ते हैं तो फिर सवाल हम पे होता है, इस्लाम हम पे सवाल। इस्लाम कभी भी कटहरा बंद नहीं करता अपना, याद रखें, वो भी ऐसे बंदे पे जो कॉन्शियस डिसीजन में करो। सो जो दो बंदे इस वक्त पूरी दुनिया में नोन फॉर देयर करप्शन, उनके ऊपर आप पैसों के ऊपर ट्रस्ट कर लें, आगे ज़कात के पैसे पहुंच जाएंगे, तो सॉरी दैट्स योर फॉल्ट, दैट्स ऑन यू ना, ये आपके ऊपर है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। साहिल सर से सवाल था एक जी। कौन साहब हैं, कहाँ से हैं, बताइएगा, सवाल कीजिए, सुन रहे हैं साहिल साहब। खतर से बोल रहा हूँ, सुफियान बोल रहा हूँ। खतर से सुफियान साहब, फरमाइए। जी जी साहिल सर, आप हमेशा बोलते हैं ना कि बच्चों की तरबियत हमारे आइडल जो है उमर और अली रज़ी अल्लाह अन्हु होना चाहिए। तो एक माँ कितना भी सीरत पढ़ ले तो आपकी तरह तो नफ्सियाती माहिर तो नहीं है ना कि वो उसको बच्चे को किस उम्र में कौन सी कहानी बताए, कैसे तरबियत करे, तो इसका क्या हल है? और मेरे एक समझ के हिसाब से अगर आप ऐसी कोई किताब लिखे कि बस माँ एक नॉर्मल भी पढ़ी लिखी है तो वो उस किताब के जरिए से, मतलब वो सिर्फ कहानी की तरह उसको बताए, किससे कहानियाँ वाकियात बताए साहबा के, तो क्या हल होगा इसका? क्या नाम है आपका? लाइन पर रखिए, लाइन पर। कतर से हैं जी। सुफियान, मेरे तो आपके अरबी। सुफियान अब इंडियन है, लाइन ड्रॉप हो गई है साहिल साहब। जी देखिये, बाकी सबको मैं बता दूं, पहले तो सबसे पहले असूल याद रखें। ये कांस्टेंट नहीं होता, आपकी बीवी का जो भी स्टैचर है उसको डेवलप करना ज्यादा जरूरी है आपके बच्चे से। बीवियां डेवलप करें ना, क्योंकि आपने जो मामला बताया उसमें आपने ये बता दिया कि बीवी ने तो सिर्फ आसान वाली कहानियां सुनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे रिस्क, अपनी बीवी के ऊपर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बीवियों को बेटियों से ज्यादा डेवलप करते होते हैं, ये उनका ज्यादा बड़ा हक होता है। अगर आपको पता चल गया है कि बीवी उस कैपेबिलिटी में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि इस वक्त बच्चों की नहीं बीवी की जरूरत है, कि बीवी को जरूरत है कि मुझे डेवलप स्किल दी जाए, मुझे मुझे सेंस दी जाए, मुझे नॉलेज दी जाए। ये कौन सा इस्लाम हम तक पहुंचा कि बीवी जाहिल रहेगी मगर बच्चे उलमा बन जाएंगे? ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ओके, सो बहरहाल पेरेंटिंग के लिए
उमर खत्ताब या अली बिन अबी तालिब से बहुत आसान और ज्यादा डेटा हमारे पास मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो सीरा के ऊपर अपनी बीवियों को बताएं कि बच्चों की साइकोलॉजी सीरा के ऊपर कैसे करते हैं लेके आने। बहरहाल हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इस साल नहीं तो इस साल सर इस क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर में हमारी पेरेंटिंग की ऐप इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह लॉन्च इट ताकि आपके तमाम तर पेरेंट्स को ये अफाका हो के ज्यादातर मवाद आसान अल्फाज में आप तक पहुँचा जाए उर्दू अंग्रेजी अरबी होपफुली इंडोनेशियन और मलेशियन में इंशाल्लाह विल बी पब्लिशिंग इट वेरी सून इंशाल्लाह। तो आप फिक्र नहीं करें मगर उस पे मत रहना, अम्मियों को डेवलप करें प्लीज, अम्मियों को डेवलप करें। पाकिस्तान की अम्मी साहब मैं